इतिहास में छह राजा चक्रवर्ती हुए चक्रवाबेन, और देखना ये सब आगे है छह के छह इस भारत की भूमि पर पैदा हुए। चक्रवाबेन का मतलब होता है जिसका पूरी धरती पर राज हो। राजा हिमाचल का पूरी धरती पर राज था। आज ये जो चीन देश डंग डंग पर अपनी ताकत दिखावा है, आंख दिखावा है, यो चीन देश किसी समय में दहेज में मिला है। यहां से एक कथा प्रारंभ होती है। कैसे क्या लिखा है सुनो। हिमाचल का राज बताया और सारे जी का हिमाचल का राज बताया सारे चीन का, कान खोल के सुन लो एक एक बोल यकीन का। ऐसे बहुत गावणी आएंगे सारी आदमी को आगो हाथ खाओ भाई। सत्संग उसी का नाम है जिसको सत्य कहते हैं, जहां पर सत्य का ज्ञान हो। उस राजा हिमाचल के घर पर शिव शंकर भगवान ब्याह होने आएगा, जिसके घर में पार्वती का 108वां जन्म होया। क्या लिखा है सुनिए। कत्ते हिमाचल के प्यावण शिव जी, हिमाचल के संग में चुन्नी चोड़ा आया था, काशी के माँ पार्वती का डोला आया था, वो चीन मिला दहेज में मचा न्यूरोड़ा आया था, वो चीन मिला दहेज में न्यूरोड़ा आया था। उसे ही भारत भी आए, यहां भारत भी आए थे। जब राजा हिमाचल के उस गिरजा ने पार्वती ने जिक्र किया, शंकर भगवान से शादी करूंगी, ब्राह्मण और नाई आए, एक बार नहीं कितनी बार आए।
फिर भी आए थे कि हाँ ये भोपाल कैसे इतनी पलटन इतनी खोज इतना धनमाल जब कार्तिक होया नहीं ये छूचक में मिले थे। नंबर तीन पर क्या लिखा था जी ने जब बहुत तगड़ा कार्तिक होया जब बहुत तगड़ा धनमान मिलिया छूछक में ईर अपने कणी मणि एक लाल मिलिया छूछक में कड़े जना की बात हुई जनो काहल मिलिया छूछक में बहुत सी पलटन और नेफा भोपाल मिलिया छूछक में पहले 100 रुपए से और सम्मान किया बार बार धन्यवाद मेरी जान में इसके एक ले के समझ माओ यही बात हाँ बहुत बहुत धन्यवाद नंबर 4 पर जिक्र कराया निवले फिर भारत की और चीन की बिगड़ी क्यों न्यू बिगड़ी थी आदरणीय अशोक कुमार जी 100 रुपए से सम्मान आशीर्वाद देते हैं परमात्मा इनका मोद रखे बहुत बहुत धन्यवाद
उस भिखारी ने वो रोज 20 रुपये दिया। रणबीर ठेकेदार सनोक दलीप सिंह जी 500 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। उस भिखारी ने 20 रुपये रोज के दे, थोड़े दिन पाछे 15 रुपये देने लग गया, फिर कोई दिन पाछे 10 रुपये देने लग गया, फिर कोई दिन पाछे 5 रुपये देने लग गया। भिखारी ने 5 का भगा दिया, बोलिया भाई तू 20 रुपये दिया करता, फिर 15 देने लग गया, फिर 10 और आज 5 दे है। ने बोलिया भाई 20 दिया करता ने, जब मेरा कोई खर्चा नहीं था। बोलिया तो भाई 15 क्यों? ने बोलिया 15 मैंने न्यू दिए भाई, मेरा ब्याह हो गया, मेरा खर्चा बढ़ गया। ने बोलिया ठीक भाई, फिर ने बोला तो भाई 15 था, फिर 10 पे क्यों आया? ने बोला भाई मेरा छोरी होगी, खर्चा बढ़ गया। बोले हाँ भाई 10 ठीक। बोले 5 दे लग गया। ने बोले एक छोरा और हो गया। ने बोले हाँ भाई मेरे पीछे तो घर चलाओगा तू, 20 रुपये तो दे लिए थे। पुत्र थे, एक लड़की का इंतजार था, पार्वती का जन्म होता है। नारद जी आए कि हे नारद जी, बड़ा सौभाग्य है मेरे घर पर पुत्री का जन्म हुआ और आपका भी आना हुआ, बल्कि समय के मधु मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन की शुरुआत, मेरा सराहा नक्षत्र था, मेरे बेटी जन्म या दिया। ऐसा नक्षत्र यो समय आपके घर पर तो खुद आदि शक्ति ने जन्म लिया। वो कैसा कर्म मेरी बेटी का लगन बताओ नारद जी, कैसा मरहम मेरी बेटी का लगन बताओ नारद जी, कैसा भरम मेरी बेटी का लगन बताओ नारद जी, कैसा धर्म मेरी बेटी का लगन बताओ नारद जी। देख लो मचाल दिखाओ मेरी बेटी के दोनों हाथ, मेरे सराहा नक्षत्र था, मेरे बेटी जन्म आ गई। नोले आपके घर पे शक्ति का अवतार हुआ है और देख लिए जग जननी कब आ गया। उस पार्वती के बारे में नारद जी क्या कहते हैं सुनिए। निवास रहेगा, शंकर भगवान के साथ ब्याई जाएगी। नंबर एक पर क्या कहे Keep up.
किशन रोड देवनाई ऊपर साधु नहीं है, तीन लोक का नाथ है शिव शंकर भगवान। क्या कहा का प्रतिनिधि तो उनके कंधे पर रहा। आदरणीय काशीराम सरपंच साहब 500 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद। What?
आदरणीय जय प्रकाश जी, प्रणजी महाराज, सन ऑफ गोविंद राम शर्मा जी, प्रणजी महाराज 500 रुपए से अपने बच्चों को मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। जोरदार तालियां प्रणजी महाराज के। 500 रुपए मेरे आदरणीय मेरे घनिष्ठ मित्र भाई धर्मेंद्र दूधवा से बहुत मान सम्मान, पहले 500 रुपए से और मान सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद। लगन लगन लगाने चाहिए परमात्मा, किस किस ने लगन लगाई चुप कर बेड़ा पार। घर के किम भी काम की कमा वो छोरा उल्टा करे पावे, सारा गांव उसने बिगाड़ू को। वो एक दिन तंग पाया अपने पिता ते, न्यूकन लगा बाबू सारा गांव मन बिगाड़ू को है, न्यूके काम चल लगा। नबिला भाई मेरे तो हाथ नहीं, तन्ने एक कटवाया तेरा नाम। नबिला कोई समाधान नहीं बता दे। नबिला एक समाधान तो है, हैदराबाद अपने गांव के सेठ रहे हैं भाई, उनके तू नौकरी लग जाएगा तो गांव में न्यू चर्चा हो जाएगी भाई बाहर कमाओ। नुबारा नींद इज्जत तो सब ना अच्छी लग गए। नुबले मत चलिया जाऊंगा, वो मन जाना नहीं, नुबले मेरा नाम ले दिए सेठ तुम जान जाएगा। हैदराबाद पहुंच गया सेठ, जाकर राम रमी श्याम समी करी सेठ, नुबले भाई आइए खड़े ताया है, गांव का नाम लिया, मेरे बाबू का नाम यो। नुबले हाँ तेरा बाबू तो मेरा क्लास फेलो था भाई, मैं क्यों कराया। नुबले सेठ जी नौकरी खातर आया। नबिला भाई 10 फैक्ट्री है, जो सी भी नौकरी तन बढ़िया दिखे, कोई सी फैक्ट्री तन बढ़िया दिखे, उसमें अपना काम संभाल दे। फिर सेठ जी तो होशियार गना हो जाए। नबिला भाई न्यू बता तेरा नाम के। नबिला सेठ जी बाप नाम के मदर लियो, काम तो बिगाड़ू गया। नबिला भाई मैं भी बिगाड़ू ही कूंगा, काम तो न्यारा थोड़ी है। फिर न्यू बता भाई तनखा के लेगा। नबिला लाला जी तनखा कुछ नहीं, मैं तो बांस गड्या करो। नबिला घनी धरती पड़ी तेरे जी मां उड़ चाहिए 100 बांस गाड़ दिए। बोला ठीक। जब 27-28 दिन हो गए, न्यू मान 2-3 दिन में एक महीना हो जाएगा तनखा, टेम होया भाई। करने भगवान कैसे थे, सेठ जी का कोई औलाद नहीं थी। एक दिन हांड फिर का आया, सेठानी का आगे बैठ कर रोन लागे, सेठानी नु लीर बेगाड़ू 27-28 दिन तन आए न हुए है, के दुख तकलीफ हुई, तू रोया क्यों। ने बोले सेठानी या सारी दुनिया तन बांध कवे से, मेरे तो सुनया नहीं जा,
ने बोले भाई परमात्मा की माया भगवान कदे देगा जब हो जाएंगे, ने बोली भगवान देगा जब हो जाए वो बेगाड़ू बोलिया भगवान ने एक रास्ता बताया है नुल्या के मैं जब हांड फिर का आया एक बाबा जी मिले मैं उस बाबा जी तेने बोलिया बाबा जी मैं जी सेठानी के टू खासू सेठानी के औलाद को ने कोई जतन बताओ मैं वो बाबा जी ने बोलिया जब सेठानी शेठ की एक बड़की मूछ काट देगी तो जोड़ ले होंगे सेठानी राजी होगी भाई यो काम तो आसान है कैची का दहार लगा ली ने बोली यो काम तो आज दोपहर में कर देंगे शेठ जी कहने गया राम राम शेठ जी राम राम रे बिगाड़ू क्यों कराया तेरी फैक्ट्री में नहीं गया नुला शेठ जी मन जरूरी काम था जब तेरे कराया के जरूरी नुला जुलम हो जाएंगे आज तो के जुलम हो जाएंगे नुला जब तेरी सेठानी जब तेरी एक बड़ की मूछ काट दे तो मैं के मुंह दिखाऊंगा न्यून तो वो सेठ भी नुले अच्छा सेठानी मेरी मूछ काट दे और मैं खड़ा खड़ा देखू मैं बबड़ बबड़ मारू थोड़ी सी दूर सेठ के साड़ियां की दुकान थी उड़ चला गया लत्ते कपड़े बांध लिए गाढ़ी कंधे रख ली वो सेठ के साड़े थे सारे इकट्ठे कर लिए हाँ भाई बिगाड़ू हम कट्ठे करे के कारण कारण यो जै सेठ तारी बाहर न पीटेगा तो हम के करोगे न्यून तबे साले भी तैनात कर दिए वो साले ने बोले न्यू कुकर पीटेगा हम जीवा है बे आगे जड़ा सेठ की 10 फैक्ट्री थी सारे मजदूर कट्ठे कर लिए निवलेरा जिसके जिसके भागते तरा चूल्हा चल रहे थे अरे बड़का पेट गुजारा हो रहा है उस सेठ ने उस सेठ के साले पीटेंगे तो हम खड़े खड़े देखोगे टंग टंग पर बांस गाड़ता था लवे साले तैयार न्यून तो मजदूर भी निबले उन साले आए का सन सा तारांगे तो फिर का टेम होया सेठ जी जू ही घर ने पूछा कुआड़ खुड़काए सेठानी ने कुआड़ खोले सेठ ने भीतर पाटे क्या सेठानी ने एक बड़ की मूछ काट ली सेठ ना आया उसा एक मारया न्यून तवे साले एक बार देख ले बाण मार दी सेठ को लाके बबड़ 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 वे मजदूर बाण देख ले और सेठ मार दिया वो उन साड़ा दे बबड़ लाके वो जो लत्ते कपड़े बांध रहा था वह काठड़ी धर की बेड पर शेराना लाए आराम की बैठे सारा दृश्य कोई किस्से का मारा कोई किस्से का मारा सब ने न्यू साण खाया निवला रही बेगाड़ू तो पूछो भाई हम घुड़ा क्यों है निवला बेगाड़ू नहीं होता काम घुड़ा क्यों था निवला सेठ जी आपने न्यू कही थी चाहिए 100 बांस गाइड दी मैंने एक बांस गाइड या धरा यो हाल से पति शादी कई होके हो जाती है रानी मैना राजा हिमाचल से कहती है के पिया जी इस पार्वती की शादी कर देनी चाहिए मेरी गिरजा बेटी सैनी होगी क्योंकि रात कटे पिया जी मैं फिक्र करूं मेरा चलवा लहू कटे ब्राह्मणों नाई से आदेश दिया भाई तीन लोक में हंडे हो जो सर्वश्रेष्ठ हो मेरी बेटी की शादी के लिए लायक वर तलाश करो पहलम पहुंचे इंद्र हो रहे पार्वती का टीका ले आया सू वह तरणी का पार तार दे इसी तरणी ना ले आया सू हिमाचल का पैदा होगी अपने शर्ठा ले आया सू तेरी इंद्रपुरी में रहन की खातिर जग जग निमा ले आया सू इंद्र महाराज ने हाथ जोड़ लिए भाई पार्वती तो मैं शादी करवाऊ नहीं फिर पहुंच गया अग्नि धोरे कहन लग्या मिठी बाणी हिमाचल के पैदा होगी दुर्गे अंबिका महारानी और किसी ने जिक्र ना करिए मैं जानू तो न जानी उस पार्वती तो शादी कर लो जिसकी घेटी में दिखे पानी अग्निदेव ने भी हाथ जोड़ लिए पार्वती तो शंकर भगवान शादी करे मारी होगा फिर पहुंच गए सतलोक में विष्णु से अरदास करी टीका लिया पार्वती का हिमाचल ने आस करी
इंद्र अग्नि दोनों नाट के पाछे तेरी तलाश करी, उस पार्वती ते शादी कर लो, हम सबकी अजमाश करी। विष्णु भगवान ने भी इनकार कर दिया। फिर विपुर वहां से चाल पड़ा, हिमाचल के घर आया, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु रक्ता रक्ता हराया। कविराज एक जाटी के मां कविता करने नर आया, मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद पाया के मां चराया। हाथ जोड़ के खड़े हुए कि महाराज कोई भी जिसका कभी जिक्र करा वो नाट जा सके। वहां पार्वती हाथ जोड़ के खड़ी होगी, निवली दादा मैं बताऊं उड़े जाओ ने। कहा शंकर भगवान के पास, क्या कहती है सुनिए। अरे सत्ता
लोक में श्रेष्ठ कहे सतलोक में श्रेष्ठ कहे पावंगे सब ठाठ तने गिरिराज पर्वत के ऊपर मिल जावो कर डाक तने नाद बाधता सुने दूर ते जागी मलम पाठ तने अष्टम सूर और पावन भैरव बैठे पाव सुनाट तने वो विश्वे विष आठवीं सिद्धि विश्वे विष आठवीं सिद्धि लगे चोड़ अठासी का प्रबंधन श्री अलख निरंजन खटका है अभिनाथ बहुत मान सम्मान पहले 200 रुपए से और सम्मान बार बार धन्यवाद आदरणीय पूर्व सरपंच साहब काशीराम जी 100 रुपए से और मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद सतलोक में श्रेष्ठ कहे शक्ति का जन्म हो चुका है जिसने 108 जन्म शंकर भगवान के लिए सुरेश डेयरी वाला 2100 रुपये और 100 रुपया पार्टी सुरेश मिल्क डेयरी दूध की डेयरी वाला भाई 2100 रुपए 10 किलो दूध पार्टी खातर लासी अच्छा
2100 रुपए। जोरदार तालियां बजाएं भाई। और भाई 10 किलो दूध भी भाई। जोरदार तालियां बजाएं। सब पूछ रेस बनाए कन्या को फट गया। और 100 रुपया पार्टी का भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा इनकी कमाई में बरकत दे। मालिक मौज रखे भाई। नंबर 4 पर वह पार्वती ने उकर लगी वो पछाड़ेगा तम कह दियो। सिर्फ लंगोटे आला से शंकर भगवान के पास वो पार्वती नहीं गई थी, ब्राह्मणों नहीं गए थे। शंकर भगवान ने बोले वह राजा की लड़की और एक साधु का केम है, वह किसी राजा की लड़की है, क्या कहता है सुनिए। पीठ तपू मेरी आग दिए
वहाँ से 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। शंकर भगवान कहते हैं महाराज कोई भेद नहीं, आप चारों वर्ण में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप में कोई जोड़ मिलाना हो आप अपनी बुद्धि से सोचो महाराज किसा मेल है, क्या कहते हैं। छोटे से बच्चे 50 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। परमात्मा से दुआ है पढ़ लिख के गुणवान बलवान बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.
शादी हुई है शंकर भगवान से को नया काम खोली। शंकर भगवान मना नहीं कर पाए। जब वापिस आए ब्राह्मणों नाई कहा राजा तक हे महाराज हम तो रिश्ता करे है किसके शंकर भगवान के कौन है भाई एक महाराज है बड़ा में तपस्या करे था आपकी लड़की ने बताया हम रिश्ता करें एक मिसाल है काशीराम सेठ था और उसकी सेठानी वो दोनों काने थे वो शेर जी किसे बात पर छो मा करने प्यार था है देखी तेरी सुसरी कहानी वो सेठ भी काना था बात छो मना आया करती नु कहती सेठ जी मन तो सारा है गांव ही शादी के मैं तो नहीं माने एक कर है कोई पीर बनी गुजर की अरे भाई जो परंपरागत है समाज शमशान की तरफ चल पड़े उसकी अंतिम यात्रा थी आ गए कुत्ती चाल कुत्ती का माड़ा गाल रखी भाई ये तो समाज की रीति है भाई को गुजर गुजर जे हम शमशान में लेके जा रहा लेकिन किसी ने न्यू शर्मा खाज खोरी ने बोला भाई यो दृश्य के भाई आगा गया कुतिया चल रही इसके माड़ा गाल रखी भाई या जो जनानी गुजरी है इस कुतिया ने पाड़ ली थी वो भी घराली तक काल पर बोला भाई या कुतिया मना नहीं दे दो बोला यो सारा गांव न्यू को नहीं सारे यहाँ कुतिया खतरा नहीं है अरे तू अपने अपना काम साथ हो सारे कोई देखने खातर आ रहा कुछ शंकर भगवान अपनी बारात लेकर राजा हिमाचल के वहां पहुंचते किसी बारात थी शंकर भगवान की हिमाचल के बाग में पीछी बरात नहीं आई होगी वो राजा हिमाचल का एक अलकारा एक दूत भाजा गया के महाराज यो के कम ठाना रुपया या किसी बरात आई पीछे लग गए हैं जनों काम का गोरो सपे ले पड़े हो तो नुक बरात आओगी क्या कहना
काशीराम जी 100 रुपए से और मान सम्मान आशीर्वाद बार बार धन्यवाद परमात्मा इनके मौज रख के बहुत बहुत धन्यवाद। वो कोई साधु महात्मा होंगे तब मैं खड़े देखे थे अपने बाग में जरा बरात के बटन का इंतजाम कर रखा था डाटे नहीं बोला डाटा क्यों करे दो बोरी तक जाने रे डाटन की कोशिश करी गड़ी है क्या कहता अरे ते दिले मुश्किल कोई साधु होगा नवलिया साधु नहीं है कैसे के बाग में हिमाचल के बाग में
शिव शिव करे दे उसकी इतनी लाल आंख है आमने न्यू लगे है जो सारी धरती का नशा है उसने छोड़ा न्यू बैठा है ताक लाए जनों तो प्यावन नहीं कोई शिकारी बैठा हो अरे ने बोले वो शंकर भगवान होगा क्या कहे सर खोल करती है मजाक उड़ाती है न्यू कहने लगा जिसके खातिर तमाई हो जिसकी तम सखी हो उसके 108 को बनशीश कहते हैं। शिव शंकर भगवान और पार्वती की 108 शादियां हुई हैं। वो जन्म गिनवाया पड़ा जी ने कैसे एक रागनी में एक भजन में क्या कहा है सुनिए। सामर्थ नहीं सामर्थ तो एक पिता भी अपनी पुत्री को करता है। इन हाथों ने बड़ा समेरु लाखों भरिया फड़ा दे या बेस बदल बदल आवे मैं शीश काट दू। शंकर भगवान नंबर एक पर क्या कहते हैं सदो गुण तीनों कूट कूट
मने समुद्र में खोल दी, समुद्र मंथन किया, फिर समुद्र मंथन से निकली, फिर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के साथ विष्णु के साथ ही, फिर लक्ष्मी के घर में जन्म होया। नंबर दो पर क्या कह पड़े, विष्णु लेके मन में न रखी सारी चीज तोड़ गई। फिर जन्मिया दक्ष भूप के केस पकड़ के रोड़ गई, बाप के घर पे चढ़ के मरगी, बाप के घर पे चढ़ के मरगी, मन साकर के मा चला गई। काशीराम जी बहुत मान सम्मान, पहले 100 रुपए से और मान सम्मान आशीर्वाद बार बार। इतनी शिक्षा दी, बैठ करे मेरी गैल, मने अग्नि में चढ़ा दी, पर बाली शुरू आए शंकर भगवान जुलम हो जाएंगे, मने बाहर काट दी अटपड़गी। अणु परमाणु का रूप बना दिया सारी धरती में पार्वती। क्या लिखा है पंडित जी ने सुना, परमाणु का रूप बना दिया, अणु परमाणु का रूप बना दिया, सब सृष्टि के मारा गई। Thank you.
पंडित मांगेराम के जीवन का आखिरी भजन था। लोलिया मैं प्राण त्यागूंगा, मेरा अंतिम समय है। पंडित जी ने पहले बता दी थी बोलिया घर में मरूंगा नहीं, उड़े ले चलो कड़े गंगा जी के कंठारी पे। भजन गाया था पंडित जी ने उड़े, गंगा जी तेरे खेत में गड़े नोड़े चार कन्हैया झूलता रुकमण झूलो। शिव जी जी के कर मंडल के विष्णु जी का लाग्या पैर, पवन पवित्र अमृत बनकर पर्वत पर गई थी ठहर। भागीरथ ने तप कर रखा ना खोद कर ले आया था नहर। 60,000 सगड़ के बेटे मुक्ति का जो पागे दाम, अयोध्या के गोरख पहुंची गंगा जी धराया नाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करे सुबह से, सब दुनिया तेरे ये तुम्हें किसी और ही जय जयकार कन्हैया झूलता संग रुक्मण झूल रहे। अच्छा सुना नहीं है, चलो यार अच्छा सुना नहीं। विष्णु का पैर लग गया नहीं था, मन न लगवाया था ताकि यह धरती पर चली जागी। मृत लोक में जब आई मन अपनी आधी शक्ति बांट ली। क्या कहना पड़े मारो ये जा से चोर की मेरा पैदा हुआ कपूत करी तके करी ब्राह्मण। हंसा ने तो चाहिए हंसनी, कागड़ी ने चाहिए काग, सती ने तो सती चाहिए, रागड़ी ने चाहिए राग, उर्वशी ने गंधर्व चाहिए, नागड़ी ने चाहिए नाग। एक गिरजा तने कड़े लकोलियों दुनिया में ठिकाना कोन्या, बाबा जी का ब्याह जागी दूध दही का खाना कोन्या, तेरे कर्मा में लिख रखी थी इन ब्राह्मणा ने उलाना कोन्या। गुरु मान सिंह टूल गया शिव जी के पहुंचाया टीका, लक्ष्मी चंद भी भूल गया शिव जी के पहुंचाया टीका, वो मांगे राम भी झूल गया शिव जी के पहुंचाया टीका। मेरी चमक रेशमी डोर सी वो सैलोगढ़ का सूत करी तक की करी ब्राह्मण। वे सखियां ने बोलिया ए यही लिखा गया वो टले नहीं। राजा हिमाचल बड़ा क्रोधित होता अपने भाईचारे को इकट्ठा करता है,
पर जुलम हो गए, लड़की ने ज्ञान नहीं था, ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने भी ध्यान नहीं कराया। एक चिट्ठी लिखो दूत के हाथ, तेरे ब्राह्मण शंकर भगवान के पास, और चिट्ठी लेकर जा हिमाचल ने भरी सभा में इकट्ठा कर लिया भाईचारा, अरे मेरी बेटी की शादी खातिर तुम चिट्ठी लिखो फिर दोबारा। परमा साथ नहीं ले आया था, पकड़ का हाथ नहीं ले आया था, बढ़िया बारात नहीं ले आया था, पूरी जिंदगी फिर कवारा, भूत ले आए तो काम नहीं चल रहे। सतयुग द्वापर एक के ढंग में, सब हरे रंग चाव उमंग में, विष्णु सप्त ऋषि हो संग में, जब मेरी बेटी का बजे नगारा, मेरी बेटी की शादी खातर चिट्ठी लग गई फिर दोबारा। शंकर भगवान के पास वो दूत चिट्ठी लेके जाता है, चिट्ठी में नीचे पार्वती ने एक लाइन और लिख दी, क्या लाइन लिखी सुनिए, करूं थी
बटेऊ तेरे पाठ में बैठी बटेऊ तेरे पाठ में सदा तेरे करो को दीवे तले अंधेरे मारे फेरे हो इस रात न मैं करया करूं थी पाठ बटे उतरे पाठ नंबर चार पर क्या लिखा है प्रवीण मांगे राम तेरी गैल मरू तेरी मैं मुट्ठी चापी भरू हाजिर करू गात न ले चलो घर घाट बटे उतरे घाट में बैठी कह दिए भोलेनाथ ने तेरी गिरजा देख बाट बटे उतरी बाट में बैठी सारी दुनिया कह है एक लंगाड़ा कन फाड़ा सबका सज्जन हार देख लो लाख चौरासी जी आज उनका बैठे ठेकेदार देख लो शंकर भगवान नदी पे बैठे जब ये बात कही बारने में पहुंचा जब किसी ने न्यू कहा भाई यो छोटा बहुत पुराना होगा या कमली भी घनी पुरानी यो बैल भी तेरा बूढ़ा सा है नवला भाई कुछ भी हो मैं बदलिया ना करता मेरे पास जो है यही है शंकर भगवान क्या कहते हैं हेलो 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 साहब कुछ भी हेलो हेलो Yeah.
रानी मैना कहती है खेदे डोला का रूह का रोला यो शिव जी बोला पिया मत ने बोल शंकर भगवान ने की बोलिए बालाजी महाराज की।